आज हम बात करेंगे प्रीमियम कार स्कोडा सुपर्ब के बारे में, जो कि दो वेरिएंट में आती है। इसका पहला वेरिएंट आता है स्पोर्टलाइन 80 और दूसरा जो उसका वेरिएंट आता है वो LNK 80। स्कोडा सुपर्ब स्पोर्टलाइन एक शोरूम आपको मिल जाएगी 29,99,000 रुपये की। स्कोडा सुपर्ब LNK 80 आपको एक शोरूम मिलेगी 32,99,000 रुपये की। ऑन रोड स्पोर्टलाइन आपको पड़ेगी 33,81,213 रुपये की और LNT आपको ऑन रोड पड़ेगी 37,13,944 रुपये की। मैंने जो आपको ऑन रोड प्राइस बताई है वो है गुजरात के राजकोट की सिटी के, हो सकता है आपके शहर में ऊपर नीचे हो। इसमें आपको मिलेंगे 7 कलर, बिजनेस ग्रे, मून वाइट, मैग्नेटिक ब्राउन, मैजिक ब्लैक, लावा ब्लू, स्टील ग्रे और रेस ब्लू। स्कोडा सुपर्ब में आपको लेंथ मिलने वाली है 4869 mm की, विड्थ मिलने वाली है 1864 mm की और हाइट मिलने वाली है आपको 1469 mm की। व्हील बेस आपको मिलने वाला है स्कोडा सुपर्ब में 2841 mm। स्कोडा सुपर्ब में आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगी 156 mm। ये है स्कोडा सुपर्ब के टॉप मॉडल की LNK की बैचिंग। स्कोडा सुपर्ब में टायर साइज आपको मिलने वाला है 215/55 R17 का। स्कोडा सुपर में आपको मिलने वाला है 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। BS6 स्कोडा सुपर में आपको फ्यूल कैपेसिटी मिलने वाली है 66 लीटर की। इस बटन को पुश करके आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोनेट ओपन किया तो डिस्प्ले में दिखा रहा है आपका बोनेट ओपन है। स्कोडा सुपर में आपको मिलने वाला है 1984 cc का 4 सिलेंडर DOHC इंजिन और उसका जो कर्ब वेट रहने वाला है वो है 1562 kg, जो पावर जनरेट करता है 4200 rpm पे 188 bhp और जो टॉर्क जनरेट करता है 1450 rpm पे 320 nm। हेडलाइट में आपको मिलेंगे LED लैंप्स। स्कोडा सुपर्ब में आपको मिलेंगे ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TCS, LCD, 8 एयरबैग्स और हिल हुल कंट्रोल। इस गाड़ी में आपको मिलेंगी 3 keys, जनरली सब गाड़ियों में 2 keys आती हैं लेकिन इस गाड़ी में आपको मिलेंगी 3 keys। करें स्कोडा सुपर्ब के बूट स्पेस की तो स्कोडा सुपर्ब में आपको बूट स्पेस मिलने वाला है 625 लीटर का। यहाँ पे आपको मिलेगा 12 पॉइंट का आउटपुट और यहाँ पे भी लाइट मिलेगी आपको। स्कोडा सुपर्ब में आपको दूसरी साइड भी लाइट मिल जाएगी। ये है इसकी रिमूवेबल बैटरी। अगर नाइट में आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आप इसे कहीं भी चिपका के इसका यूज़ कर सकते हैं। स्कोडा सुपर्ब का ये फीचर मुझे बहुत ही पसंद आता है। जैसे ही आप इसे वापस अंदर डालोगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ये हो गई चार्ज होना शुरू। स्कोडा सुपर्ब में आप वन टच से ही अपना बूट बंद कर सकते हैं। स्कोडा सुपर्ब में आपको मिलेंगे डोर पे भी ये ब्लैक पियानो फिनिश, पीछे की सीट पे भी आपको मिल जाएगा सुपर्ब का बैच। ये है रियर की सीटें, कुछ इस तरह से आपको दिखेगी और बहुत ही बढ़िया लेदर क्वालिटी की बनी हुई है रियर की सीटें हैं। रियर की सीट में मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट जिससे आपका थाई सपोर्ट बिल्कुल बढ़िया तरह से बनता है। स्कोडा सुपर्ब में आपको रियर सीट में भी मिल जाएंगे AC के 2 रियर वेंट। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ।
तो जो डोर पे स्विच दी हुई है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। स्कोडा सुपर्ब में आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट, जैसे आप इसे पुश करेंगे तो ये पीछे चली जाएगी, आगे करनी हो तो आप आगे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुपर्ब का बैच। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो स्कोडा सुपर्ब में आपको मिलेगा लेदर का स्टीयरिंग जो कि टिल एंड टेलीस्कोप है, जिसे आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। स्टीयरिंग में आपको मिल जाएगी पूरे कंट्रोल स्विचेस, ये है एयरबैग, ये है लाइट के फंक्शन और इसी के पास में है ये इंजन स्टार्ट का बटन। अगर आपका कोई डोर ओपन है तो MID में वो भी आपको बता देगा। स्कोडा सुपर्ब में आपको मिलने वाला है बड़ा सा टच स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे 6 स्पीकर जिससे गाने सुनने में और ही मज़ा आता है। साथ ही में मिलेगा इसमें आपको GPS नेविगेशन सिस्टम, USB कनेक्टिविटी, iPad कनेक्टिविटी, AUX कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, FM रेडियो और वॉइस कमांड। ये है एयर कंडीशन का फंक्शन, जिसे आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 3 जोन AC क्लाइमेट, जिसे आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सबका क्लाइमेट अलग अलग सेट किया हुआ है और यहाँ से आप अपने फैंस की स्पीड भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, आप इसे जैसे ही बढ़ाएंगे फैंस की स्पीड अपने आप बढ़ेगी। और यहाँ पे आप दोनों का टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हैं। ये है इसका DSG गियर बॉक्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग ड्राइव मोड्स। ये पार्किंग का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे आप इसे पुश करेंगे तो रिवर्स कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसे पुश करता हूँ तो ये अलग अलग ड्राइव मोड पे आ जाते हैं। ये है इसका सनरूफ ओपन होने का स्विच, जैसे ही आप इसे पुश करेंगे तो सनरूफ ओपन हो जाता है। और जैसे ही आप इसे वापस पुश करेंगे तो सनरूफ बंद हो जाता है। कवर को आपको हाथ से बंद करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल टेवाणी मुकेश को सब्सक्राइब कीजिए।